करोल बाग अमन कमेटी के महासचिव बलबीर सिंह और जसबीर सिंह का मकसद अमन कमेटी के जरिए समाज में शांति व सामाजिक कार्य करना। अखिल भारतीय अमन कमेटी में महासचिव बलबीर सिंह को और जसबीर सिंह को अध्यक्ष बनने पर दोनों ने अपनी विचारधारा व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य अमन कमेटी के जरिए सामाजिक कार्यों को पूर्ण रूप से पूरी लगन से करना। जैसे ही समाज में शांति व भाईचारे को बढ़ा हवा, गरीबों को सहारा व आसरा देना, हम अमन कमेटी के जरिए पुलिस के साथ भी कदम से कदम मिलाकर खड़े होते हैं। चाहे कोई सामाजिक कार्य हो, हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अलावा बलबीर सिंह और जसबीर सिंह ने बताया कि हम दोनों ही दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की सिख एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं, जिसके जरिए हम सिख समाज के विकास के लिए भी कार्य करते हैं और जो भी सिख समाज के लिए सेवा का कार्य भी करते हैं। इसे दिल्ली से मोहम्मद इरफान खान की एक खास रिपोर्ट है। हम जो है अमन कमेटी के लिए जो लोगों के रिलेटिव झगड़े हैं उसको देखते हैं, या कोई रास्ते में झगड़ा है उसको भी उसके लिए कार्य करते हैं। तो अभी तक आपने जो आपने घर पे काम किए हैं वो अलग काम किए, लेकिन अमन कमेटी के जरिए काम करेंगे तो इसमें आपको थाने से मिलके थाने से पुलिस फोर्स से मिलके जो भी हमारे से लोगों की मदद हो पाएगी हम वो करेंगे। आप उसके अलावा दिल्ली मेडिकल कमीशन के अंदर से कोई कमेटी के मेंबर भी हैं, तो दिल्ली मेडिकल के जरिए किस तरह से आप उसको उत्थान के लिए काम करते हैं, सिखों के उत्थान के लिए दिल्ली में काम किए हैं? दिल्ली में सिखों की जो मिनोरिटी है उसके लिए हम काम करते हैं, जिसको किसी को गरीब को हेल्प चाहिए उसकी हेल्प करते हैं, लंगर सेवा करते हैं, जैसे सर्दियों में कंबल वगैरह है, या अभी दिल्लियों में आग लगी थी उसकी हमने जो हमारे से मदद हो पाई हमने की। दिल्ली मेडिकल कार्य है शिक्षा को लेकर बढ़ा हुआ और वो जगह जगह सेमिनार करती है, तो आपने अब तक कितने समय पहले आपने करना है? हमने सेमिनार नहीं करवाए, लेकिन उसके लिए हम जो है अपने जो हमारे करतार सिंह कोचे जी हैं उनको हम मेंबर्स जो है भेज देते हैं, वो आगे उनको चला रहे हैं। फ्रीडम फाइटर्स सरदार अमर सिंह मेमोरियल चलाते हैं, तो उसमें किस तरह कार्य करते हैं? फ्रीडम फाइटर्स सरदार अमर सिंह मेमोरियल फाउंडेशन में मैं चेयरमैन हूँ, उसके अंदर भी हमारा संस्था के जो भी इंस्टीट्यूट है हमने बनाया हुआ है, तो उसकी इसी साल से ओपनिंग अगले महीने से होगी। उसमें कुछ लोगों को हम फ्री एजुकेशन देंगे, जो अपना फीस वगैरह नहीं दे पाएंगे उनके लिए फ्री एजुकेशन है, या हमारा नॉमिनल चार्ज रखेंगे। भाजपा सरकार के अंदर गरीबों को और सिखों के लिए अत्याचार हुआ और जो पिछले पैसे उन्होंने देखा नहीं होता, तो उसके लिए आपने क्या कार्य करते हैं कि जनता के बीच में जाके वो भेद जो चल रहा है कम किया जाए, सरकार को अपनी बात को पूछ रहा है? गवर्नमेंट सिर्फ अपने फायदे की सोचती है, वो चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, गवर्नमेंट का तो कहना ही किसी के लिए बेकार है। वो जिसकी मतलब वोट ज्यादा है उस वो अपनी तरफ उसी को खींचे। जसविंदर सिंह समरवाल। जसविंदर जी, आपको हम कमेटी के अंदर है कि हमें आपको जिला थाने को बनाया गया है, तो क्या लगता है कि दिल्ली में हम काम करने के लिए आप किस तरह काम करेंगे? ऐसा कि दिल्ली में हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, हम एकजुट होकर मिलकर सबको चलना चाहिए, इस दिशा में हम काम करेंगे ताकि देश की प्रगति और उन्नति में सब मिलकर एक जैसा योगदान दे सकें। सर, दिल्ली में अमन कमेटी, अखिल भारतीय अमन कमेटी कितनी स्टेटों पर काम कर रही है? दिल्ली में लगभग सभी स्टेटों पर अमन कमेटी काम कर रही है। अमन कमेटी से जो भी समस्या अगर आती है और वो अमन कमेटी इसको देखती है, दिल्ली पुलिस का इसमें क्या रोल रहता है? दिल्ली पुलिस में ये रोल रहता है, जैसे कोई करप्शन ना भरे और किसी निर्दोष के साथ कोई बेगुनाही ना हो सके, इस वजह से दिल्ली पुलिस को बीच में रखा गया देश में और इलाके में अमन कायम रखने के लिए, अमन और शांति कायम रखने के लिए। त्योहारों के मौके पर ये कमेटी किस तरह से जनता के लिए काम करती है, जैसे कि बड़े बड़े जुलूस होते हैं त्योहारों के मौके पर, क्रू पर उनके लिए जो जुलूस निकलता है, सेवा का जुलूस निकलता है, तो उस पर ये कमेटी किस तरह काम करेगी? उस पर ये कमेटी अपना योगदान देती है, जैसे जुलूस निकलता है वहां लंगर लगाना, कुछ जो भी सामाजिक कार्य करती है। सर, देखा गया आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से भी काफी समय से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी में क्या पद आपका है?
अभी इन जीते हमारा कांग्रेस में नहीं है, पर पहले था, अभी नहीं है। अभी देश भर में चुनाव चरण पूरा हुआ है और बीजेपी ने सरकार बना दी, इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको कि इतनी भारी बहुमत से जो बीजेपी सरकार बनी है, क्या कारण हो सकता है इसका? ऐसा ही कि भारी बहुमत से बनी है, ये तो सभी जानते हैं कि इतनी भारी बहुमत से काम करना, जो बीजेपी ने काम किया है उसके लिए कहना बेकार है, कि सब जानते हैं क्या काम किया है सर बीजेपी।